कथयामि पूजयामि। महाराज पूरे शरीर को स्पर्श कर लीजिए। ओम दाम देवे नमः सर्वाग्नि ईश्वर ने किया शुभ काम जी बताई रुक्मणी का संदेश आया भगवान अपहरण करी ले जामावंती का विवाह की जाओ समय तक मणि की चोरी भगवान की लगी तो भगवान ने ओ लिए राजा की दीती तेरी चलाकी है। भगवान ने स्वयं अपने हथे कने दबाया तो जिन्नी भी कष्ट के सुधार सारे खत्म हुई और चावल की गठड़ी पकड़ी गई। आज भगवान ने एक चावल की गुटी मुंह छिपाई एक लोग ने संपत्ति देई दुई पाई दुए लोग दी भी देई जो त्री पान लगे ते रुक्मणी ने फटाफट हाथ पकड़ी दे कि प्रभु आश्रय है संत की प्रसादी आने भी खानी है कले तुस नहीं खाई बड़ो उस बड़े चलाक चरण तो ये पहले सारे अपने परिवार के पूरी द्वारिका नगरी में संत का चरण अभिषेक किया फैलाया फिर संत का प्रसाद भी सारे पिछे सुधामा का जेड़ा घर हा उ महल के महल खुली भगवान ने कृपा करी गुरु सांधी पाणी आश्रम अस किठे पढ़ते रहे उसी दिन चेता मिगी इंजा लगा दा कि वो दिन तू हाले तोड़े नहीं भूलिया पहले भी तू चलाकिया करता हा और हूं भी तू चलाकिया करता हा क्योंकि भजाइना किस ना किस खाने लिए मेरे लिए भेजे दगा होना लेकिन सुदामा ने चावल की गठड़ी अपने बाहों थले दबाई दी सुदामा अगले कन्हैया मेरी बांह थोड़ी दर्द है जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। उन सज्जनों
कलश यात्रा सारे गे जाना है, इतना सारे बाजार जाना और सारे खूबियां पुनः इतना आना। उदे बाद आरती होनी, आरती दे बाद भोग प्रसाद का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सत्य सनातन धर्म की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन बहुत ही दिव्य और पावन माना जाता है। समस्त देवी देवता आज के दिन प्रयागराज धाम में स्नान करने के लिए आते हैं और कृष्णा में श्री राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। और श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया है और आज 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज बहुत विशाल भंडारा है और हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज ने गौदान भी किया है। उनके मन में बहुत दिन से अभिलाषा थी कि गौ दान करना है और आज वो उनका संकल्प है जो पूरा हुआ। इसलिए आज के दिन बहुत ही उत्सव से, बहुत ही खुशी से गौ दान हुआ और आज भंडारा भी है। सभी जम्मू से, बिश्नाह से, नगर नगर से, गांव से लोग आज बहुत खुशी से यहां आएंगे, कथा भी सुनेंगे और प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। बड़ी वृंदा